हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी प्रैक्टिकली। तो आज का टॉपिक है मार्केटिंग मायोपिया। तो आज के वीडियो में हम लोग यही जानने जा रहे हैं कि मार्केटिंग मायोपिया क्या होता है, किसने दिया था, कैसे दिया था, प्रॉपर एग्जांपल्स और इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए मैं आपको आज की वीडियो में मार्केटिंग मायोपिया का पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि मार्केटिंग मायोपिया आया कहाँ से ये टर्म, तो मार्केटिंग मायोपिया को टर्म किया था थियोडोर लिविट ने। आप कुछ भी स्पेल कर सकते हो, एक्चुअली मेरे को प्रोनाउंसिएशन नहीं पता इसलिए सॉरी, इट्स थियोडोर लिविट ऐसे प्रोनाउंस किया जाता है जितना मैंने देख सुना है। तो थियोडोर लिविट ने 1960s के आसपास में, आपको उस समय उन्होंने अपना ये आर्टिकल लिखा था हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में, और उस समय उन्होंने ये चीज़ डेवलप किया था और जिसको 2004 में दोबारा भी पब्लिश किया गया था। तो उनका सिंपल सा टर्म है यार कि मार्केटिंग में क्या होता है कि उस समय के हिसाब से, और अभी भी ये फिट बैठता है, कि जो बिजनेसेस होते हैं वो मार्केटिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। मार्केटिंग पे ध्यान देना इज़ नॉट अबाउट एडवर्टीजमेंट कि हर जगह पैसे स्पेंड हो रहे हैं। मार्केटिंग इज़ ऑल अबाउट कि यार आप कंज्यूमर के नीड को समझ पाओ। जैसे कि मान के चलिए कि उनका बेस्ट एग्जाम्पल है कि उन्होंने उसी में कहा हुआ है कि कंज्यूमर डज नॉट वॉन्ट्स अ हाफ इंच ड्रिल, इट वॉन्ट्स अ हाफ इंच होल। तो सिंपल सा इनका मतलब यहाँ से निकल करके आता है कि जो कस्टमर्स हैं, जो कंज्यूमर हैं, उन्हें आधा इंची का ड्रिल नहीं चाहिए जो कि दीवार में छेद करे, उन्हें दीवार में छेद चाहिए। उसको मतलब यही सिंपल सा मीनिंग है यार कि आपको ऐसा प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है जो कि वो चीज़ पॉसिबल करके दे। आपको ये नहीं बेचना है कि यार सी दिस इज़ द ड्रिल, आपको बेचना है कि यार ये देखिए ये आधा इंची आपका होल हो गया आसानी से इससे। सो यहाँ पे मार्केटिंग मायोपिया को टर्म किया जाता है। सो मार्केटिंग मायोपिया का अगर हम लोग डेफिनेशन देखें, तो मार्केटिंग मायोपिया एक्चुअली डेफिनेशन से यही कहता है कि अब एक ब्रांड को मार्केटिंग अपनी ऐसी करनी चाहिए जो कि कस्टमर ओरिएंटेड हो, ना कि बिजनेस ओरिएंटेड। इट्स जस्ट लाइक कि जैसे मान करके चलिए कि अगर कोई एक प्रोडक्ट है जो कि कंपनी प्रोडक्ट डिज़ाइन करिए, डेवलप करिए, चाहे वो सर्विस भी क्यों ना हो, तो उसको ऐसे वो प्रोडक्ट बनाने चाहिए जो कि कस्टमर्स को चाहिए, ना कि जो बिजनेस को बेचने में आसानी हो। एग्जांपल के लिए आप कह सकते हो कि यार अगर एक एरिया में जहाँ पर लोग थोड़े से हाई क्लास रहते हैं मान करके चल रहे हैं, तो उस एरिया पर आप सस्ते सामान बेच नहीं सकते हो, या फिर ये वाइज वर्सा भी पॉसिबल होता है कि आप बहुत अच्छा क्वालिटी नहीं बेच सकते, आपके हिसाब से यार हमारा सामान सबसे अच्छा है, लेकिन उस एरिया में जो लोग हैं वो कम प्राइस का प्रोडक्ट खोजते हैं, तो आप इन दैट केस यू आर नॉट डूइंग अ गुड बिजनेस। सिंपल सा मतलब है कि यार अगर आप, आपके हिसाब से आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हो, लेकिन पॉइंट इज कि वहाँ पे जो लोग हैं, जो माइंडसेट है या जो लोगों का नीड है वो है कम प्राइस के प्रोडक्ट का, देन योर प्रोडक्ट इज नॉट गोइंग टू सेल एंड दैट वुड ऑल्सो क्रिएट अ नेगेटिव इम्पैक्ट फॉर योर बिजनेस। तो इसीलिए मार्केटिंग मायोपिया यहाँ पे टर्म किया जाता है। अगर हम लोग इसका लाइव एग्जाम्पल्स की बात करें, तो यार नोकिया या फिर कोडैक आर फेमस एग्जाम्पल्स। जब कोडैक एक तरह से मार्केट लीडर था एक समय में, जब जो कैमरा रील्स वाले कैमराज होते थे उस समय, तो जब डिजिटल कैमराज का समय आया तब कोडैक ने अपना लगभग बहुत सारा शेयर, जो मार्केट कवरेज था उसका, वो सोनी कैमराज को लूज कर दिया, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने डिजिटल कैमराज के बूम पे ध्यान नहीं दिया, इसीलिए उनका शेयर वहाँ से गायब हो गया एक तरह से पूरे मार्केट में। सेम चीज़ आप नोकिया की तरफ भी देख सकते हो, जब एंड्रॉयड iOS का सिस्टम चल रहा था तब नोकिया ने भी उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, जिसके वजह से नोकिया आपको मालूम ही आज कहाँ पर है। साथ ही में आप ये भी देख सकते हो, एक और एग्जांपल है इसका परफेक्ट, कि हॉलीवुड जो है, हॉलीवुड ने कभी भी जो टीवी मार्केट है उसको टारगेट कभी नहीं किया। हॉलीवुड वॉज ऑलवेज लाइक यार लोग तो सिनेमा मूवीज़ यही देखते हैं, जिसके वजह से उन्होंने जो टीवी का ऑडियंस था वो लूज़ किए, क्योंकि कहीं ना कहीं सारे ऑडियंसेस मूवीज़ हॉल में तो नहीं देखते हैं यार, टीवी पे भी देखते हैं। तो उन्होंने वही चीज़ हॉलीवुड में यही हुआ था शुरुआत में, कि उन्होंने टीवी सेगमेंट लूज़ किया था, जिसकी वजह से शुरुआत में उन्हें बहुत दिक्कत हुई थी। तो ये प्रॉपर एग्जांपल्स है मार्केटिंग मायोपिया के। तो मार्केटिंग मायोपिया इज़ ऑल अबाउट यार जो आजकल के स्टार्टअप्स को आप देखो, तो वो इस चीज़ को प्रॉपर दूर करते हैं एक तरह से। जैसे कि मान करके चलिए कि आप जोमैटो को देखिए, जोमैटो का IPO आने वाला है, सो कॉन्ग्रेट्स यू, एंड आई नो कि बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होगा, तो लकीली अगर मेरे को मिल जाए, आपको मिल जाए, तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। सो ओवरऑल यार जोमैटो जैसे आप देख सकते हो, स्विगी देख सकते हो, आप ऊबर देख सकते हो, या फिर आप अमेजोन देख सकते हो, फ्लिपकार्ट देख सकते हो, या फिर आप बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं यार, इतने तो अनगिनत है, मैं नाम भी नहीं ले सकता। तो इट्स ऑल अबाउट कि यार उन्होंने वो चीज़ लेकर के आया जो कि कंज्यूमर्स को चाहिए, लोगों को
कोरोना में आपको मान के चलिए एम्बुलेंस ढूंढने में दिक्कत हो रही थी, तो एम्बुलेंसेज का स्टार्टअप आए जो कि आपको एम्बुलेंसेज लोकेट करके देते हैं। फिर उसके बाद लोगों को डॉक्टर की दिक्कत होने लगी, प्रैक्टो ने वो चीज़ कंप्लीट किया। फिर आप मान के चलो कि यार लोगों को घर बैठे खाना चाहिए, तो जोमैटो है, घर बैठे सब्जी चाहिए बिग बास्केट है, नेचर्स बा मतलब नेचर बास्केट और ग्रोफर्स है, एंड देन आप नाम करो और वो चीज़ हाजिर है। आपको एक जगह पर फर्नीचर चाहिए, या फिर आप मान करके चलो कि आपको बच्चों को सामान चाहिए तो फर्स्ट क्राई है। फिर उसके बाद बहुत सारे हैं यार, मतलब मैं गिनती में भी नहीं बता सकता हूँ इतने सारे हैं। तो यहाँ पे ये प्रॉपरली एक्सप्लेन करते हैं कि जो कंज्यूमर का नीड्स है उसी पे उन्होंने फोकस किया हुआ है। वो अपना प्रोडक्ट सेल करने का कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो वही सेल कर रहे हैं जो कि कंज्यूमर्स चाहते हैं। एंड मार्केटिंग मायोपिया यही कहता है कि आपको अपने प्रोडक्ट पे खाली ये नहीं देखना चाहिए कि यार मेरा प्रोडक्ट सबसे बढ़िया है, आपको वैसा प्रोडक्ट बनाना है जो कि कंज्यूमर्स को चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट मार्केटिंग मायोपिया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट करके या इंस्टाग्राम लिंक्डइन पे आकर के मुझे मैसेज कर सकते हो। एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं और कोई ऐसी इंटरेस्टिंग सी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, वंदे मातरम।